नमस्कार, हरियाणा न्यूज की खास कार्यक्रम खास खबर में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। कल देश आजाद हुए 67 साल हो जाएंगे, लेकिन इस आजादी के जश्न में जिस जांबाज सिपाहियों की वजह से हम आजाद हुए हैं, उन स्वतंत्रता सेनानियों को देश भूल गया है। जी हाँ, तो 15 अगस्त यानी कि कल पूरा देश 68वां स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा रहेगा। पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण के लिए दिल्ली में लाल किले पर लाखों रुपए खर्च करके मंच तैयार किया गया है, लेकिन उन सेनानियों का क्या जिन्होंने देश को आजादी दिलाई है, जिसके बदले उन्हें 15 अगस्त को सिर्फ एक लोई मिलती है। जी हाँ, आखिर सरकार क्यों भूल गई है उनकी कुर्बानियों को, आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। ये वो सेनानी हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के डंडे से लेकर जेल तक की जुल्मतों को सहा, लेकिन बदले में इन्हें क्या मिला? पूरा देश 68वां स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा है, लेकिन बुढ़ापे में इन सेनानियों के दर्द की दास्तां सुनने वाला कोई नहीं है। आज के रोज याद आते हैं, 15 अगस्त आ गई, 26 जनवरी क्या कर लेते, थोड़ा बहुत इनसे कोई पूछने वाला ही नहीं, कोई हाल नहीं है अभी, और अब राय कोई नहीं है ना। हम चार आदमी इकट्ठे मिल के जाए कहीं बात करें किसी भी बात करें, जब है ही साथी कोई नहीं रहेगा तो किससे बात जाए। हरियाणा में कुछ सेनानी अभी भी हमारे बीच मौजूद हैं, लेकिन जब वे आजादी के दिनों को याद करते हैं तो उनके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि आंखों में एक दर्द झलकता दिखाई देता है। दे देंगे और तुम इस राष्ट्र को छोड़ दो, मगर हम नहीं छोड़ना जी, हम तो आजादी चाहते, हम तो बात की दो रखा कर तुम्हें जी, हमें आजादी दो, हम खत्म हो जाए। वहीं अंबाला के रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी जोधा सिंह का परिवार भी उनके सम्मान के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। उन्हें सरकार की तरफ से सिर्फ एक प्रमाण पत्र के अलावा कुछ नहीं मिला। ये अफसोस है कि आज हरियाणा सरकार ने असली स्वतंत्रता सेनानी के जिन्होंने कुर्बानी देश के लिए करी उनको तो बिल्कुल भूल गई, उनका नाम तक नहीं लेती, और जो जिन्होंने देश के विरुद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया, क्योंकि वो गद्दी पर बैठ गए, वो मुख्यमंत्री बन गए, वो अपनों को ही हर वक्त उनके नाम का गुणगान करती है और भूल जाती है। राजनीतिक दल इन सेनानियों को याद तो करते हैं, लेकिन सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त को हरियाणा सरकार इन्हें सम्मान के नाम पर एक लोई देती है। क्या एक लोई से किसी का परिवार चल सकता है? शायद ये बात हरियाणा नंबर 1 जैसा प्रदेश कभी नहीं सोचता। हरियाणा न्यूज के लिए अंबाला से कमरप्रीत सबरवाल, कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर, कनीना से राजीव सुल्तानिया की रिपोर्ट। जी हाँ, तो जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, जिन्होंने देश पर देश के लिए लड़ाई लड़ी और सीमा पर अपनी जान तक की कुर्बानी लगाई, तो ऐसे में अब उन स्वतंत्रता सेनानियों का क्या होगा? सरकार आखिर उनकी अनदेखी क्यों कर रही है, ये एक बड़ा सवाल निकल के सामने आता है। सवाल ये भी है कि आखिर कब उनकी सुध ली जाएगी, क्योंकि अगर बात करें देश की तो देश को आजादी दिलाने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और चलिए सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं त्रिलोचन सिंह, स्वर्गीय जोधा सिंह के बेटे हैं, स्वतंत्रता सेनानी इनके पिता रहे हैं और हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। त्रिलोचन सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। त्रिलोचन जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? त्रिलोचन जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। बहरहाल आपको बता दे कि मुश्किलों भरा जीवन व्यतीत करने को मजबूर है स्वतंत्रता सेनानी, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, इनकी पूछताछ करने वाला कोई नहीं है।
ये वही लोग हैं जिन्होंने सरहद पर अपनी जान की फिक्र किए बिना ही लड़ाई लड़ी थी और देश को आजादी दिलाई थी। हालांकि कल 15 अगस्त है, 15 अगस्त में आपको बताना चाहेंगे कि 68वें स्वतंत्र दिवस के जश्न में पूरा देश कल डूबा रहेगा, लेकिन उन स्वतंत्रता सेनानियों को कोई याद नहीं करता जिन्होंने सरहद पर अपनी जान की फिक्र किए बिना ही लड़ाई लड़ी थी। और चलिए सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं राव निहाल सिंह जी के पोते, हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है जी। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्ते मैम जी। सर आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप इसे देखते हैं, जिन्होंने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी की, जिन्होंने सरहद पर लड़ाई लड़ी और जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, उनकी अब अनदेखी हो रही है। देखिए मैम, हमें बहुत ही गर्व हो रहा है। हमारे जो दादाजी थे उन्होंने अपने प्राणों को अपने बारे में कुछ सोच न घर के बारे में कुछ सोचते न सोचते हुए भी उन्होंने आजादी के लिए आगे बढ़कर हिस्सा लिया और सुभाष चंद्र बोस की जो टीम है उनमें सबसे बढ़ चढ़ कर आगे भाग लिया। वो कई बार अनेकों बार जेल में गए, यातनाएं सहनी पड़ी जी। जी आप जानना चाहेंगे कि अब मांग करते हैं कि सरकार इनकी मदद करे और इनको तमाम जो सुविधाएं होती है वो मुहैया कराई जाए, लेकिन सवाल ऐसे में यही निकल के सामने आता है कि मुश्किलों भरा जीवन व्यतीत करने को मजबूर है ये स्वतंत्रता सेनानी, लेकिन उनकी सुध लेने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। हालांकि कल 15 अगस्त है, 15 अगस्त में पूरा जो देश है 68वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, पूरा जो देश है वो जश्न में डूबा होगा, लेकिन उन स्वतंत्रता सेनानियों को कोई याद नहीं करता जिनकी वजह से आज ये जश्न। सारी जो चीजें मिली है
लोचन जी जो कि हमें बता रहे थे कि आखिर कितना दुख कितनी पीड़ा होती है जब उन स्वतंत्रता सेनानियों का नाम नहीं लिया जाता जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की, जिन्होंने सीमा पर और दूसरे देशों से लड़ाई लड़ी। बहरहाल यहाँ बदलाव की शुरुआत आपसे है क्योंकि आप हैं हरियाणा। बदलाव की इस मुहिम हिस्सा बने हरियाणा लोक हित पार्टी का। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एक बाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सभी हरियाणा वासियों को मेरा सादर प्रणाम। लोकतंत्र में जनता से बड़ी ताकत नहीं होती दोस्तों। आओ हम अपनी ताकत दिखाएं और इन सभी राजनीतिक दलों को बताएं कि हरियाणा की जनता अब बदलाव चाहती है। मेरा आपसे निवेदन है 17 अगस्त को जींद में हरियाणा लोक हित रैली में बढ़ चढ़कर भाग लें और हरियाणा के इस बदलाव की मुहिम में आप मेरा साथ दें। हम सब मिलकर बनाएंगे नया हरियाणा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। सिद्धेश्वर ऑटोमोबाइल्स एंड कॉर्पोरेशन ब्रिंग्स एन एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ द अमेजिंग ब्रांड निसान इन गुड़गांव। कार्स अवेलेबल इन ऑल मॉडल्स एंड परफेक्ट प्राइस and workshop also here with high-tech equipment approved by Nissan. Showroom, Siddheshwar Nissan, to Honda Chowk, Sector 34, Plot Number 34, Gurgaon, Haryana. Sargaon! कुर्बानी। जी हाँ, जिस देश को आजाद करवाया था, जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने आजाद करवाया था, आज हम उन्हें ही भूल गए हैं। कल पूरा जो देश है वो 67वें स्वतंत्रता दिवस यानी कि 67वें साल के जश्न में डूबा होगा, 68वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा। लेकिन ऐसे में सवाल इस बात का है कि आखिर उन स्वतंत्रता सेनानियों को क्यों भूला गया जिनकी वजह से आज ये आजादी मिली है। इस आजादी के जश्न में जिस जांबाज सिपाहियों की वजह से हम आजाद हुए हैं उन स्वतंत्रता सेनानियों को हम भूल गए हैं। चलिए सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर दुलीचंद यादव जो कि रिटायर्ड प्रिंसिपल है। दुलीचंद जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। थैंक यू।
वजह है कि उन स्वतंत्रता सेनानियों को अब याद नहीं किया जा रहा है जिनकी वजह से देश आजाद हुआ? याद किया जाना चाहिए, वजह तो यही है कि शायद सरकार इस बात को भूल गई कि 1947 से पहले 1857 में विशेषकर मैं कहूंगा कि जो सेनानी थे उनको वास्तव में सरकार ने भुला दिया इस समय। उन्हें याद नहीं किया जाता है, न ही सरकार की तरफ से कुछ कदम उन कर रखी गई है जी, और हमारे